अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तो मेज़बान मियाँ मोहम्मद अफसल बट्टू, तो तुम वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल किसान पाकिस्तान। तो दोस्तों आज मशीन है जनाब अपने को 80-70 पीछे खड़ी है न्यू हॉलैंड, तो बिलास ट्रैक्टर है, तो पीछे ट्राला भी है, तो मुंजी की कटाई हो रही है। तो सीजन तकरीबन जोड़ा है ना, ये कहते हैं पीक है, अद तू सीजन टप गया है। तो दोस्तों जी देसी मुंजी है यदि कटाई तकरीबन खत्म होने वाली है, तो फिर जिन्ना 15.09 तो कायनात की कटाई शुरू हो जाती थी। आओ तुम विखाइए जनाब मशीन, तो फिर ना इसकी मालूमात लेने हैं, तो तुम्हें दूसरा ना यदि परफॉर्मेंस चेक करवाने। दोस्तों साढ़े ना जनाब हार्वेस्टर का मालक भी है, ड्राइवर है, उन्होंने गल करने। अस्सलाम वालेकुम जी, थोड़ा जूचा बोले है, की हाल चाल ने भाई जान, कितों आए जमालकोट? ये मशीन थोड़ी है, तो मशीन भी जमालकोट की है। अच्छा, की नाँ है? काश भाई। तो किन्ने अरसा तो मशीन चलाते पेने? दो साल। तो किन्ने की लई सी? 52 लाख की। नगद या किस्तां? अच्छा अगे आ जाओ। अच्छा किनिया पहले एडवांस किन्ना दिता सी? 15 लाख। 15 लाख। तो हुण किन्ने दे चुके जी? हाले कौन नहीं दिते, देने नु सीजन लाते। अच्छा सीजन ला के दे सो दे। काशी भाई मैंने दसो भी अगर कोई आम जिमीदार मेरे रंगा, मैं कहना भी मैंने शौक आ गया, मेरे को पैसे है 15-20 लाख, ये जी मशीन ले लवा या ना लवा? बिल्कुल ठीक है जी, कारोबार है जी, अंदर जो कोई रोला ही नहीं जी। मैंने तो पता ही नहीं है, मैंने ड्राइवर नहीं आ, तो कल मैं कोई बेल्ट लवन जावा या कोई पुर्जा लवन जावा तो ना सुर लगे, तो फिर जी डिलीवर नाल तो मशीन लैस है वो तो मैं नाल डिलीवर। तो किन्ने पैसे मेरे को होने चाहिए ने भी ताकि मैं मशीन चला लवा? तकरीबन कम से कम 20 लाख। 20 लाख करी हो? तो ड्राइवर की तनख्वाह कि है? अच्छा एक डिलीवर दिया 2 लाख 50, 2-2.5 लाख रुपया। अच्छा एक जी मुंजी है ये कितनी कटाई लेंदे पे जी? कटाई लेंदे पे ग्लोब दी 3000 है, डिग्गी दी 3500-4500 भी चला है। हां जेड़े प्लाट तुसी करदे पे इंदा की लै रहंदे? डिग्गी भी खड़ी है 3500 रुपया लै रहे। एक किले ते किन्ना खर्चा आ जांदा है? खर्चा आ जांदा है तकरीबन 2000-2500 आ जांदा है। अच्छा 2000 आ जांदा है, ठीक हो गया। तो टाइम किन्ना लगा लेंदी है इस तरह के किले च? टाइम हुण जी ग्लोब तो होवे ते 10-12 मिनट मसे लगदे। नहीं 10 मिनट थोड़े नु, आधा घंटा लग जांदा। नहीं आधा घंटा नहीं, काफी वड्डा फिर तो कटर है। चलो आओ तुहाडी मशीन दी परफॉर्मेंस चेक करने हैं। ते दोस्तों साढ़े नाल एक जमींदार भाई ने, तो उन्होंने गल करने भी पुछने भी रेट की चलता पिया। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाचा बशीर? चाचा बशीर अपने केड़े दाई ने 133 नू अगे भी कटाए ने या पहली बार कटाते पे? ते रेट का कोई सोरा है कितना चलता पे? पता नहीं जी, रब जानदा है। अच्छा पता कोई नहीं है, कोई अंदाजा भी नहीं है? अच्छा ठीक हो गया। तो दोस्तों आओ तुम विखाइए जनाब 80-70 की परफॉर्मेंस, आप देख सकते हो जनाब। दोस्तों जी है दूसरा 133, 1100 तो लाया, तो 1200 तक यदा रेट है दोस्तों। तो बाकी जेडे मंडी के 4 रुपये 100 मगरों, तो मतलब भी वो लख मगरू 4000 आड़त वाले ले लेंगे ने। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह मुंजी बहुत सोहनी तो वधिया है दोस्तों, बहुत ही सोहनी फसल खड़ी है। तो मशीन अपने अगे जा रही है, तो जल्दी पहुँचने मशीन को। दोस्तों 80-70 न्यू हॉलैंड थोड़े सामने जनाब, बिल्कुल जनाब लेटी पई है मुंजी। तो अच्छा कर लो इसकी परफॉर्मेंस, दोस्तों 80-70 बड़ी मशीन है, तो वड्डे ही इसके काम है ने, बिल्कुल थले लगे पे ने। 133 जड़े ने यह तो चार तो माशाल्लाह 70-75 मन हो जाता है, लेकिन डिग पेंदे ने, यह कद काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके सामने तुम नज़र आ रहे हो गए, 15.09 खड़े ने तकरीबन तैयार है ने, 2-4 दिन लेंदे ने,
तो बहुत ही सोहनी हालत जी खड़े ने। रेट भी 2200-2300 है सारी कल का रेट तकरीबन 2300 है सी। तो आ जड़े है 133 इन्हों का रेट 1100-1200 चलता पाया है। अगर फुल खुशक है सुकी कटाई की हुई है बिच हरे दाने घट ने तो फिर जनाब तकरीबन 1200-1100-1200 उपर या थले हो सकते हैं। जे अगर बिच हरा दाना आता तो बस हरे दाने लैके फिर जनाब जोड़ा रेट है वह घट जाता है तकरीबन 100-150-140 किलोग्राम मन वालों थले आ पैंदा है। शुरू जो फाइना की कटाई सी उस वक्त भी रेट काफ़ी उपर सी फिर बिच मौसम खराब होया तो फिर रेट थले आ गया। तो हुण फिर जिहड़ा है ना इस हफ्ते तेज़ी आ रही है दोस्तों, मतलब भी सितंबर 20 सितंबर है अज दोस्तों, तो 15 सितंबर तो बाद मुंजी के रेट में तेज़ी आई है क्योंकि सीजन जिहड़ा है ऐदे सी मुंजी का तो तकरीबन एंड है क्योंकि थोड़े गने रह गए ने। तो बाकी जड़ा है अद्धी फसल जी तकरीबन अद्धी 1509 जिदे जनाल कायनात सुपर की फसल अद्धा सीजन तकरीबन गुजर गया तो अद्धा सीजन ही बाकी है। तो दोस्तों इस बार उम्मीद है भी जड़ा रेट है मजीद बधेगा तेज़ी आएगी। जिस तरीके खादा स्प्रे तेल सब कुछ महंगा होया उस तरीके एक किसान की फसल भी कम अज़ कम ना पहले दिन नस्बत कोई मन वालों 300-400 रुपया जरूर बदलनी चाहिए है ताकि किसान का कुछ फायदा हो, वरना हुण कणक जी है तकरीबन 20-25 दिन बाद कणक की भी बिजाई शुरू हो जानी है तो वो वास्ते फिर DAP जी है महंगी है भाई जान। बीज का जोड़ा थैला है वो तकरीबन 3400-3500 तक है ने कणक का 50 किलो का। उस तरीके जी यूरिया भी महंगी है, डीजल तो तुम्हें पता ही लग्या होगा कि 15 दिन बाद महंगा हो जाता है, अगर रुपया घटता है तो 4-5 रुपये बता दें हुकूमत। तो इस जे ट्रैक्टर है ट्रैक्टर कीमत भी आसमान से, औजार आलात जरिए आलात भी आसमान थे दोस्तों। हुकूमत को चाहिए किसानों वास्ते कोई स्पेशल इकदम उठावे ताकि जेडे किसान भाई है उन्होंने जी फसल है वो पूरे टाइम पर लगावन, पूरे टाइम पर जनाब उसकी कटाई करन। तो ट्रैक्टर जी है हुकूमत को चाहिए भी ट्रैक्टर से मेहरबानी करें, हुकूमत ट्रैक्टर का रेट घट करन। तो आए रोज़ जो 15 दिन बाद या 3 महीने बाद कीमत बढ़ जाएं ने ये ना बदन, जोड़े हल असी 70,000-75,000 के बनवाते जनाब हम 1,30,000 हो गए हैं, जोड़े डिस्कों 2 लाख दईया वो 3 लाख तो शुरू होंदिया ने, 2,80,000 तो शुरू होंगी है तो जनाब सीधी जाती है 4 लाख तक। बाकी दोस्तों जी जमीन के ठेके है जोड़ा तकड़ा जमींदार है वह तो इन्ना खास असर नहीं पैंता जिन्ना छोटे जमींदार से असर पैंता है, खास करके जोड़े दोस्त पटे तो जमीन लेंदे ने ठेके से जमीन लेंदे ने उन्होंने। तो जमीन का ठेका भी तकरीबन 80,000 तो लैके 1,00,000 तक हो गया जी दोस्तों साढ़े एरिए, बाकी का मैं नहीं पता, जिला उकाड़ा तकरीबन 80,000 तो लैके 1,00,000 रुपए तक तो ठेका बहुत ज़्यादा है। अगर 1,00,000 रुपया छोटा जमींदार ठेका पे करे हाँ वो किस्तों जी अदा करता है तो फिर अगर फसल लगावे दो जिदे बेचे मुंजी ते कणक तो मेरा ख्याल है उसका जोड़ा ठेका है वो पूरा नहीं करती जमीन, क्योंकि ठेका भी उन्हें कढ़ना है, खर्चा भी कढ़ना है तो अपनी नौकरी भी कढ़नी है। इस वास्ते जिनस का रेट भी सानू डालर के हिसाब से मिलना चाहिए, जिस तरीके अगर अं ट्रैक्टर लेने या
कोई चीज भी लेने, खाद लेने, डीएपी कहते हैं डॉलर महंगा हो गया, खाद भी महंगी ही मिलेगी। इस तरीके मेहरबानी की जाए तो किसानों भी उन्होंने भी जी फसल है साड़ी ये भी डॉलर के हिसाब में बिकनी चाहिए है। तो हूँ मैं थोड़े सारे दोस्तों की याद चाहना, थोड़ा भरा मियां मोहम्मद अफजल बट्टू, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।